नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं सैफी 24 न्यूज का हमारा ये खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अब भगवान राम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। बता दें, राकेश टिकैत ने खुद को भगवान राम का वंशज बताते हुए दावा किया है कि उनके पूर्वज अयोध्या के ही रहने वाले थे और भगवान राम के रघुवंशी ग्रोथ के थे। राकेश टिकैत के मुताबिक भगवान राम उनके पूर्वज थे, ऐसे में भगवान राम पर उनका ज्यादा अधिकार है। राकेश टिकैत ने कहा कि उनका मानना है कि राम किसी एक व्यक्ति या सियासी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के हैं, सब पर उनका बराबर का अधिकार है। उसके मुताबिक रघुवंशी गोत्र जो वंशज होने के नाते वह भगवान राम की विचारधारा और उनकी मर्यादा का पूरी तरह से पालन करते हैं। राकेश टिकैत ने खुद को भगवान राम का वंशज बताने के साथ ही बीजेपी पर सियासी निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का जो राजनीतिकरण कर रही है, अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण ट्रस्ट कर रहा है, जबकि बीजेपी के नेता उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण पूरा होने तक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इसे अपनी उपलब्धि बताकर वोट बटोरने की कोशिश करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अयोध्या में जैसे ही रामलला के मंदिर का निर्माण पूरा होगा, वे वहां जाकर माथा टेकेंगे। हालांकि वहां एक राम भक्त श्रद्धालु के तौर पर ही जाएंगे और किसी तरह का कोई भी शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे। राकेश टिकैत के मुताबिक भगवान राम को लेकर शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिकरण सिर्फ बीजेपी करती है। उन्होंने दावा किया है कि वह जब भी अयोध्या जाते हैं तो वहां मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। उसके मुताबिक सियासी तौर पर भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कतई उचित करना सही नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून भले ही वापस हो गए हैं, लेकिन किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान होना अभी बाकी है। इसमें सबसे प्रमुख न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसे लेकर देश भर में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इस दिन वह खुद हरियाणा के जींद में रहेंगे, जबकि बाकी सभी जगहों पर किसान अपने जिले के डीएम या एसडीएम को दफ्तर में ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि MSP को लेकर जल्द ही देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके लिए मार्च महीने में किसानों की महापंचायत बुलाई जाएगी। इस महापंचायत की तारीख का ऐलान 26 जनवरी को हरियाणा में किया जाएगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि फिलहाल लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन करने का कोई इरादा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो इस समय सभी समय आने पर किसान लोग इसका फैसला करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए देखते रहे सैफी 24 न्यूज़।